बदक चला मेला घूमने। बच्चों, ये कहानी है एक मेले की। तुम्हें मेले के बारे में पता ही होगा ना, महाशिवरात्रि का मेला, बैसाखी का मेला। ऐसा ही एक मेला था। वहां जाने के लिए एक दिन एक मुर्गा, एक चूहा और एक गिलहरी घर से निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बत्तख मिला। उसने पूछा, अरे दोस्तों, मैं भी तुम्हारे साथ उस मेले में चलूं? ये सुनकर मुर्गा हंसने लगा, चूहा हंसा, गिलहरी भी हंसने लगी। चूहे ने कहा, तुम कैसे आओगे मेले में? तुम्हें तो ठीक से चलना भी नहीं आता। मुझे देखो, मैं कितना जल्दी जल्दी चलता हूँ। हम मेले में बहुत मजा करने वाले हैं। तुम्हें तो ठीक से चलना भी नहीं आता, तुम क्यों आ रहे हो मेले में? मुर्गे ने कहा, अरे बतख, तुम्हारे कपड़े तो बहुत ही सादे हैं। मेरे देखो, कितने सुंदर रंग बिरंगे कपड़े हैं। मेले में जाने के लिए ऐसे ही रंग बिरंगे कपड़े लगते हैं। तुम मत आओ हमारे साथ मेले में। गिलहरी बोली, अरे पागल, देख मेरी पूंछ कितनी लहरदार है, तेरी पूंछ तो एकदम छोटी सी है। अच्छा, तुम्हें पेड़ पर चढ़ना आता है क्या? बत्तख बोला, नहीं, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। गिलहरी बोली, फिर तो तुम बिल्कुल मेले में मत आना। तुम मेले में आकर क्या करोगे? तुम्हें चलना नहीं आता, पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, तुम्हारे कपड़े भी अच्छे नहीं हैं। अरे ओ बतख, तुम्हें मेले में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम तुम्हें अपने साथ मेले में नहीं ले जाएंगे। बेचारा बतख बहुत ज्यादा उदास हो गया। मुर्गी, चूहा और गिलहरी निकल पड़े मेले की ओर। चलते चलते मेले में क्या क्या मजा करना है ये बातें करने लगे। ये हम सबसे ऊंचे झूले में बैठेंगे। हाँ, ए मैं तो बड़े से गोल झूले में बैठूंगा। मैं तो मिठाई खाऊंगा। मैं तो फुग्गे लूंगा। मैं तो सीटी बजाऊंगा। मैं तो गेंद लूंगा। मेले में नहीं जाने के कारण बतख बहुत उदास हो गया था, पर वो धीरे धीरे चल रहा था। उसने मन में ठान ली थी, मैं मेले में जाऊंगा मतलब जाऊंगा। उधर वो तीनों, मतलब मुर्गा, चूहा और गिलहरी, तेजी से चले जा रहे थे मेले में जाने के लिए। बत्तख की याद करके उसका मजाक उड़ा रहे थे। चूहे ने कहा, अच्छा हुआ उस भिखारी बत्तख को अपने साथ नहीं लाया। गिलहरी बोली, सही बात है, वो लंगड़ा लूला बत्तख अच्छा हुआ अपने साथ नहीं आया। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। मुर्गे ने एक पैर नदी में डाला और झट से वापस आया। गिलहरी ने भी एक पैर पानी में डाला और तुरंत बाहर भाग आई। चूहा भी एक कदम आगे गया और वापस आ गया। अब क्या करें, नदी पार किए बिना मेले में कैसे जाएंगे? उनमें से किसी को भी तैरना नहीं आता था। अब मेला वेला कुछ नहीं। तीनों बेचारे नदी के किनारे बैठकर रोने लगे। उतने में धीरे धीरे चलते हुए बत्तख आया। उसने देखा ये तीनों रो रहे थे। उसे समझ ही नहीं आया क्यों रो रहे थे। इतने उत्साह से और खुशी से निकले थे मेले में जाने के लिए, अचानक रोने क्यों लगे? बत्तख ने पूछा, अरे तुम सभी ऐसे रो क्यों रहे हो? फिर क्या करें, तीनों बोले, हमें तैरना नहीं आता, अब हम मेले में कैसे जाएंगे, नदी पार कैसे करेंगे? बत्तख बोला, घबराओ नहीं, मैं तुम सभी को नदी के पार लेके जाता हूँ, मुझे तैरना आता है। बत्तख पानी में उतरा और एक गोल चक्कर मारकर किनारे पर आया। ये देखकर तीनों बहुत खुश हुए। अब सभी ने बत्तख से कहा, अरे ओ बत्तख, ए मुझे नदी के पार ले चलना, मैं तुझे मेला घुमाने ले जाऊंगा। बत्तख हंसा और बोला, घबराओ नहीं, मैं तीनों को ही नदी के पार ले चलूंगा। देखा बच्चों, इन तीनों ने ही बत्तख को मेले में ले जाने से मना किया था, पर बत्तख ने उनकी मदद की। फिर बत्तख ने एक उपाय सोचा। उसने एक लकड़ी की डाल लाई, उसे एक रस्सी से बांधा। मुर्गे को, गिलहरी को और चूहे को उस पर बैठाया और रस्सी चोंच में पकड़कर बत्तख तैरने लगा। सभी लोग नदी के उस पार आ गए। अब तीनों बहुत ही खुश थे। बत्तख, तुम बहुत अच्छे हो, तुम भी चलो ना हमारे साथ मेले में, हम सभी बहुत बहुत मजा करेंगे, हम तुम्हें खूब सारे पैसे देंगे। बत्तख हंसने लगा। फिर वे सभी मेले में गए, बहुत मजे किए। और फिर बच्चों, मालूम है उस दिन के बाद से बत्तख की और उन तीनों की गहरी दोस्ती हो गई।